हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूएस सॉफ्टवेयर का डेटा बैकअप कैसे लिया जाता है। डेटा बैकअप लेने के लिए हमें एक पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप सबसे पहले पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में लगा लें। लगाने के बाद आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको जो भी कंपनी का बैकअप लेना है वो कंपनी सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ दूसरे नंबर की कंपनी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ इस साइड में बैकअप करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना पेन ड्राइव का पाथ सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ ओपन करके बटन पर क्लिक आउट कर देना है। आप देख रहे हैं मैसेज आ रहा है, मेरा बैकअप सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, इस प्रकार हम डेटा बैकअप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी कंपनी का बैकअप मेरे पेन ड्राइव में आ चुका है। अब आप चाहे तो पेन ड्राइव को निकाल के सेफ जगह रख सकते हैं, लेकिन कंपलसरी बैकअप पेन ड्राइव में ही लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फिल्स वीडियो।